ब्रेकफास्ट सर्व्ड हॉट। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, जिंदगी मौज में, लाइफ मौज में। नींद कैसी आई? नींद बढ़िया। सो फार कैसा एक्सपीरियंस है सर्दी का? सर्दी बहुत। और आज कितनी सर्दी होने वाली है? आज कई, कल बताएंगे। कल बताएंगे। सही है, रात में पता चल जाएगा, रात में पता लग जाएगा, शाम में पता लग जाएगा। एंड आई जस्ट होप कि वेदर हमारा साथ दे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज जेसन, दैट्स जैकी पाजी एंड खन्ना जी। एंड अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, हम लोग हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे, खाना खा के नहीं, ऑमलेट पेल रहे हैं सुबह सुबह। हम तो खाएंगे यहाँ पे सैंडविच, टोस्ट, नाइट ले रहे हैं आज के। ओ मी गो। तो इसके बाद यार दोस्तों क्या करेंगे ना, जल्दी जल्दी भागेंगे, क्योंकि आज का बहुत बड़ा चैलेंज है कि सनलाइट के अंदर अंदर, मतलब डे लाइट के अंदर अंदर हमें पहुंचना है चंद्रताल ऑफ रोडिंग करते हुए 50-60 किलोमीटर की। हेलो कायरा। तो हमारे साथ में प्यार सिंह जी भी जा रहे हैं आज, आएगा मजा। इनको तो आदत सी ऐसे जीने में है ना, मतलब मौका चाहिए घूमने का है। सही बात है। तो भाई ये हुई ना बात, तो हमें बड़ा मजा आने वाला है, ये पक्की बात है। तैयारी वैसे पूरी हो चुकी है, और अच्छी बात पता है क्या, हमारे साथ एक गाड़ी जाएगी, गाड़ी में जाएगा कैंपिंग का सामान और खाना पीना, बॉनफायर का जुगाड़, और हमारी बाइक्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल भी। टाइटल मिल गया आज की वीडियो का, फर्स्ट ट्रैफिक जैम इन टनल। अभी तूने पीछे देखा तो 100 दिखा रहा था भाई, लोग ट्रस्ट मी और नॉट, मतलब देखो अभी 60 दिख रहा ना यहाँ पे स्पीड, पीछे 100 लिखा हुआ था। कमाल है, कमाल, कम ऑन। सो पहले चेक पोस्ट पे एंट्री हो चुकी है, ये है कोक्सर। लद्दाख की यादें ताजा हो रही हैं यार, इस साल मिस कर दिया कोरोना की वजह से यार, बट चलो किस्मत में ये लिखा था तो ये हो गया है ना। सही है दोस्तों, अभी वैसे ना धूप निकल चुकी है, ठंड थोड़ी कम हो चुकी है, सुबह में तो हालत बहुत टाइट थी, एंड आई एम श्योर रात को भी टाइट होने वाली है। तो भाई लोग यहाँ से पूरा रास्ता चालू है, बादल जो है वो है 49, चतरु है 17.3, ग्रामपू 0। तो यहाँ से सारा ऑफ रोडिंग चालू है, लेट्स गो पाजी, लेट्स गो। चलो भाई, बोनी हो गई है, पहली चोटी वाटर क्रॉसिंग आ गई है, वार्म अप। ये टायर साफ कर लिए हमने, अगले वाले में जूते भी साफ करेंगे। सही है। तो मैंने हिसाब लगाया दोस्तों, अभी 2.5 किलोमीटर ही चले हम, ओह माय गॉड, और रास्ता सच्ची में खराब होता जा रहा है, जा रहा है। ग्रामपू पहुंचते बहुत खराब हो जाएगा, एंड 50 किलोमीटर का रोड बहुत बढ़िया था, मतलब उसके बाद ये वाला जो खराब है 50-60 किलोमीटर वैसे मैनेज हो जाएगा। 2-3 जगह है जहाँ पे लोकल्स बोलते हैं, या ये जो हमारे प्यार सिंह जी थे ये भी बोल रहे थे कि एक नाला सा आता है, पता नहीं कौन सी वाटर क्रॉसिंग है, वहाँ पे कह रहे थे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है भूसा को ले जाना। सो इट विल बी चैलेंजिंग, बट आई एम एक्साइटेड मैन, मज़ा आएगा, क्योंकि ये पहली बार मैं कर रहा हूँ। मतलब देखो रोड ट्रिप के अंदर में ना कुछ नया देखोगे तो एक्साइटमेंट होगी, कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे तो उसका फन अलग होगा और यादगार होगा। सो हमारे लिए कुछ ऐसा ही है, हम तीनों ही इस तरफ पहली बार जा रहे हैं। जैकी बाजी वैसे स्पीति आए हैं, चंद्रताल वो नहीं गए हैं, वो गाड़ी से बार-बार से ही मनाली आ गए थे, बट ये पहली बार होगा कि वो कैंपिंग करेंगे चंद्रताल पे। एंड कैंपिंग सच्ची में देखने को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, बट बहुत पेनफुल होता है यार। ये भी इसको काउंट करेंगे, ये काउंट नहीं होगी, ये काउंट नहीं होगी भाई, नो वाटर क्रॉसिंग, अभी तक यही आई है। ठीक है, हाँ खन्ना तू ड्यूक चला रहा है, और वो भी बैठ के, तेरी जगह मैं होता मैं खड़े होके निकाल देता पूरा रास्ता। अच्छा, एक और आगे, ये काउंट होगी नहीं, ये भी छोटी सी है, इसको क्या बोलेंगे, नो वाटर क्रॉसिंग एट ऑल। खाओ कसम, आए जब जैकी पाजी माँ कसम खाते तभी हमें जाके यकीन होता है इनकी बात पे। सो भाई 16-17 किलोमीटर चले हैं अभी तक हम, सच्ची बोलूंगा हाथों में दर्द हो गया, गर्मी बढ़ गई, लाइनर उतारना पड़ेगा, हमने वार्मर पहना हुआ अंदर, मतलब लाइनर मतलब जैकेट का वो उतारना पड़ेगा। अभी देखो 2 पुल हैं, 2 रास्ते जाते हैं, और हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इना मीना डीका कर लेते हैं, इना मीना डीका, खाना खाया करो फीका, सेहत के लिए अच्छा है। चलो आ जाओ, फॉलो मी करो, फॉलो मी, जोर से बोलो। ओके, तो दोनों ब्रिज वैसे एक ही जगह लेके आ रहे थे, एक पहली शॉप दिखी है, चाय पियेंगे। तो यहाँ से जो बादल है वो है 32 किलोमीटर, ऐसा उस पत्थर पे लिखा है, आराम नाल पार्किंग होगी मेरे प्राइवेट जेट की। ये एक्चुअली पहाड़ों में ना ये बड़ी दिक्कत है,
अनइवन सरफेस पे पार्क नहीं करनी चाहिए, गाड़ी गिरने का खतरा है। अगर गाड़ी गिर गई, लीवर टूट गए, फुटपेक टूट गए, तो समझो समझो फिर टो करानी पड़ेगी, आपकी लग गई। ओए स्वीटी हुई, हेलो। सो चैलेंज इज कि जूते गीले नहीं होने चाहिए। ये सेफली क्रॉस, तो दो वाटर क्रॉसिंग बढ़िया वाली आ चुकी है एंड वी आर वेरी क्लोज टू द रिवर मैन। बड़ा अच्छा व्यू है। ये तो नुब्रा वैली पहुंच गए हम शॉर्टकट लेके। ओ ओ ओ चाचा जैकी बाजी आप मत करना, मेरी डायनीजी व्हाइट कलर की हो जाएगी। शिट इतनी मिट्टी भाई साहब। तो थोड़ा वेट करेंगे यार, मेरे को अपनी ये ब्लैक जैकेट व्हाइट नहीं करानी। मजा आ गया। सो ऐसे स्ट्रेच आने चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में, बंदा रिफ्रेश हो जाता है। आ गई आ गई। मुबारक है मुबारक है। फाइनली गन्ना जी और मैं कनेक्ट हो गए, बड़ी देर से इशू आ रहा था, हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे एंड भाई लोग मजा आ रहा है सच्ची में। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दिल कर रहा है एक बारी को तो सारे कपड़े उतार दो, बट फिर भी थोड़ा इज्जत रख लेते हैं, वी आर ब्लॉगर्स। सही है, मजा आ रहा है। और मतलब रूट तो पूरा ऐसा ऐसा है। सो फार हमने पता कितनी चला ली, 30 किलोमीटर ऑफ रोडिंग कर ली है, ज्यादा नहीं बचा है। सच्ची बोलूंगा ज्यादा नहीं बचा है, 30 या 40 किलोमीटर मैक्सिमम एंड मुझे लग रहा है टाइम से ही पहुंच जाएंगे हम। अरे वो देख पहाड़ से उतर रही है गधी, हमारे राइट साइड में है नदी। मजाक कर रहा था भाई। खन्ना राइट में देख रिवर, मुझे लग गया है एडवेंचर का फीवर, अब तो बाइक लेनी पड़ेगी। वैसे दोस्तों मतलब जब हम दिल्ली जाएंगे ना, एक सरप्राइज है आप सबके लिए, हमारे सर्कल में एक और एडवेंचर बाइक आ रही है, या दो आ सकती है पता नहीं, एक तो आ रही है। सही है, तो उसकी डिलीवरी लेंगे तो बहुत जल्दी वो वाला वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। बट एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगा मैं, जैसे किसी भी रिलेशनशिप का स्वाद लेना ना, तो उसमें ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और किसी भी रोड ट्रिप का मजा लेना ना, तो जो भी बाइक आप चला रहे ना उस पर भी आपको पूरा ट्रस्ट होना जरूरी है। क्यों भाई, मुझे बहुत बहुत विश्वास है नीलिमा पे, सच्ची बोल रहा हूँ, कभी धोखा नहीं देती, मैं हर जगह ले गया हूँ और आगे भी ले जाऊंगा। इट इज जस्ट द बिगनिंग, दिस इज फॉर श्योर। अगर इस साल कोविड नहीं होता ना, तो मेरे बहुत सारे प्लान थे, मुझे करना है मेरी भूसा पे 1,00,000 किलोमीटर, तो ये मैंने इच्छा सजाई है अपनी, लेट्स सी कितना हो पाता है। अनदर वन आई गेस चौथी है। या पाजी कम ऑन कम ऑन, चैलेंज ये है दोस्तों बिना नीचे पैर रखे। पाजी तो निकल लिए, ये वाले पाजी कैसे निकलेंगे? बीच में गड्ढा है ना, तो मैं थोड़ा राइट से ले लूं है। चलो 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 चलो, यस मजा आ गया मजा आ गया। हाँ हाँ सही बात है। हाँ हाँ कितना सुहाना रोड है ना भाजी, इस पूरे रास्ते के हिसाब से ये कितना बेटर है। गड्ढे ही गड्ढे है, पत्थर ही पत्थर है, यहाँ थोड़ी सी तो रेत मिली हमें। फिर से चालू, टूटा रास्ता, ओ मी गो। बाजी गए, ओ जैकी बाजी गए, ओ पाजी थंबनेल मिस हो गया यार, आगे गिरना है ना यहाँ पे। ओ भाई अटक गई क्या? यस लाओ, फिर बंद हो गई।
वाह फिर बंद हो गई, पैर लगा दो बाजी। सही है चलो, अरे बुल्ट ले लो। ओहो BMW लेंगे। ओ भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? जाएगी इधर से जाएगी, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा या खुदा दूं मैं। हाँ लगेगी ना, अटक गई बूजा, थोड़ी सी अटक गई बट साइड से ले जाऊंगा मैं। लेट्स सी गाइस। ये चलो। अरे बच्चों का खेलता मैं तो भूल गया, मैं प्रो हूँ। ओ मम्मी स्केट हो रही है। जस्ट जोकिंग दोस्तों, फन लिया जा रहा है, थोड़ा सा रिस्की है अभी तक तो। बाइक मेरी नहीं, नहीं बाइक एक बार भी टच नहीं हुई नीचे। सो फार सो गुड। भाई मेरे पैर नीचे नहीं लगे, तेरे भी लगे। जैकी बाजी की बाइक लग गई, वो बड़ी जोर से लगी थी और दिल पे लग गई मेरे। हाल चाल पूछते आगे जाके। बाजी इतनी मिट्टी उड़ा के कहाँ जाओगे, कैसा लग रहा जब वो आवाज आई थी ढक? भाई मजाक नहीं, मजाक नहीं, आवाज बड़ी जोर से आई थी, मेरे दिल पे लग गई पता है। ओ भाई ओए ताली बजा रहा, मिट्टी उड़ रही है। ओहो भाई, ओ भाई, ओ भाई, वाह 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 वाह। चलो भाई आई होप सब ठीक होगा यार। कुछ नहीं बाजी, ऑल ओके।